हसन शहर लाहौर में सड़कें डेवलपमेंट और रोड इंजीनियरिंग इस हिसाब से है कि सिग्नल फ्री किया जा रहा है हर रोड को, लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए यू टर्न्स बनाए गए हैं ताकि ट्रैफिक में खलल पैदा ना हो या ट्रैफिक ना रुके। ये मेरे पीछे भी आप जो बोर्ड देख रहे हैं ये हैं तो इस तरफ जाने का इशारा करते हुए, लेकिन आज हम आपको लोगों के वो पॉइंट ऑफ व्यू सुनवाएंगे कि इस तरफ जाता हुआ इशारा हमें इधर क्यों लगता है, क्यों हम वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, क्यों हम हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते और फिर हादसात का शिकार होते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 250 एवरेज चल रही है पिछले कई महीनों से ट्रैफिक हादसात की, कई लोग ज़ख्मी होते हैं, कई लोग क्रिटिकली इंजर्ड होते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम रूल्स फॉलो नहीं करते, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और ये तमाम खिलाफ वर्जियाँ आज हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, आप शहर में किसी भी सिग्नल फ्री रोड पर चले जाएं, आपको सबसे ज़्यादा वायलेशन जो हैं वो वन वे की खिलाफ वर्जी नज़र आएगी कि जिस तरफ आपने नहीं मुड़ना उस तरफ आप मुड़ रहे होंगे। और मैं यहाँ जिस जगह मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देखें दो रिक्शा और एक मोटरसाइकिल वाला खड़ा है जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है कि गाड़ी रुके और वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए नो गो एरिया में जाएँ। मैं आपको 30 सेकेंड्स दूँगी, इन 30 सेकेंड्स में लेट्स हैव दिस रिकॉर्ड कि कितने लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और वन वे की खिलाफ वर्जी बड़े धड़ल्ले से, मतलब मेन रोड है, सिग्नल फ्री रोड बनाने का मतलब ये है कि ट्रैफिक चलती रहे और स्पीड से चलती रहे, कहीं ब्रेक ना लगे और आराम से ट्रैफिक जाम हुए बगैर लोग जो हैं वो उसको क्रॉस कर लें। अब इस तरफ से अगर फास्ट लेन में गाड़ी आ रही है तो पीछे से मोटरसाइकिल सवार, रिक्शे वाले वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुसलसल आप जो है वो सर्कल भी देख सकते हैं उनके अराउंड जो यहाँ से गुजर रहे हैं कि बस हमें 200-300 मीटर का वाया क्रॉस ना करना पड़े और हम आराम से अपनी मंजिल तक ट्रैफिक की कवानीन की धज्जियाँ बिखेरते हुए, थोड़ा सा रास्ता अपना बचाते हुए, ट्रैफिक में खलल डालते हुए हम वहाँ पहुँच जाएँ। और फिर क्या होता है, हादसात का बायस बनता है। इस तरह की हरकतें सिर्फ कानून तोड़ने पर ख़त्म नहीं हो जाती हैं। पिछले 24 घंटों में जो हादसात पेश आए हैं 256, उन हादसात की नौयत में भी मोस्टली यही चीज़ें हैं जिसमें वन वे की खिलाफ वर्जी है और सिग्नल तोड़ने की खिलाफ वर्जी है। ये मेरे पीछे देखें मुसलसल जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, लोग यहाँ रुक रहे हैं, दाल लगाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे पीछे से गाड़ी थोड़ी सी ब्रेक लगाए और हम वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ से निकल जाएँ। हम ट्रैफिक पुलिस के साथ भी एक सेगमेंट करेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेते हैं, क्योंकि वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये का चालान है, लेकिन इसके बावजूद लोग अगर धड़ल्ले से कर रहे हैं तो लोगों को यकीन है कि या तो उनका चालान नहीं होगा, वो बचकर निकल जाएंगे, या ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद नहीं हैं जिसकी वजह से लोगों को कोई डर खौफ नहीं है और वो आराम से कानून की खिलाफवर्जी करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। ये देखिए पूरा जमघटा लग गया है यहाँ पर, ये सब लोग इंतज़ार करेंगे कि वहाँ से गाड़ी यहाँ रुकें और फिर हम वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए यहाँ से जाएँ। इतना ये आम चीज़ हो चुकी है लाहौर की, किसी सड़क पर आप चले जाएं लाहौर की, किसी रोड पर आप चले जाएं, इतने बेधड़ंगे तरीके से लोग जो है वो सड़क के ऊपर वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं, यू टर्न्स की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं, स्पीड की वायलेशंस कर रहे होते हैं और फिर पकड़ने वाला अगर कोई ना हो वहाँ पर मौजूद तो फिर वायलेशंस जो है वो बढ़ती चली जाएँ। एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल? ठीक ठाक है। आप वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं आप? जी नहीं। वो हमारे सामने कह रहे हैं या वाकई नहीं करते? वाकई नहीं करें क्योंकि वन वे खिलाफ वर्जी करेंगे हमारा अपना नुकसान। कैसे? देखिए ना, अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो वो जिम्मेदारी तो हमारी है ना। मैं तब से देख रही हूँ ना, यहाँ खड़ी हूँ, आप देख रहे हैं मुझे, मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, 30 सेकंड में 40-50 लोग गुजर गए। तो ऐसे ही होता है, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं कि टाइम बचाओ। और अभी एक्सीडेंट भी होने लगा था, स्क्रीचें लगी हैं, ब्रेक लगी। आपको बता रहा हूँ ना कि एक्सीडेंट अगर होगा तो हमारा अपना नुकसान, थोड़े से टाइम के लिए, टाइम बचाने के लिए ज़्यादा अपनी जान का खतरा ले, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप सड़कों पे फिरते हैं हर रोज़, मुख्तलिफ रोड्स पर जाते हैं, हर सिग्नल फ्री रोड पे ही ये मसला क्यों है ज़्यादा? देखिए जी, नफसा नफसी का दौर है, हर बंदा कहता है कि तेज से तेज निकल जाए, अपना टाइम बचाओ, पेट्रोल भी बचाओ। पेट्रोल तो खैर, पेट्रोल वैसे ज़्यादा टाइम का होता है कि जी टाइम बचाओ, तो ऐसे ही है कि हर बंदा ऐसे ही करता है, नहीं देखते कि सिग्नल है, सिग्नल है, नहीं देखते कि हमने वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी और जल्दी के चक्कर में काम ख़राब करते हैं। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो चौक जो है वो मसरूफ तरीन चौक गुजर रहा है, लोग जा रहे हैं वहाँ से मुसलसल वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजर रहे हैं और ये प्रॉब्लम पूरे लाहौर में इतना बढ़ चुका है कि हादसात में इजाफा हो रहा है, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं,
ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होता है। इस पर ट्रैफिक पुलिस की क्या हिकमत अमली है, वो किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे इस मामले को पूरे लाहौर में, ये भी आपको आज दिखाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इंस्पेक्टर इंचार्ज जो इस सेक्टर के हैं वो भी मौजूद हैं ट्रैफिक के, और ट्रैफिक वार्डन्स को भी हमने खुद बुलवाया है कि ये वो चौक है जहाँ पर बेशुमार वन वे की वायलेशंस जो हैं वो चल रही हैं, और भाई को रोक लिया यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वन वे की खिलाफ वर्जी मैडम, आगे कट नहीं है इसलिए मैंने ये। सर, आपके बाद जितने लोग आएंगे ना, मैं एक घंटा यहाँ खड़ी रहूँ, 100 लोग वायलेशन करेंगे, और सब ये तो मैं वापस जा रहा हूँ। मेरे पास अभी मेरा चलान हुआ इससे पहले ही, किस चीज़ पे? ये वो हेलमेट पे चलान हुआ था, हेलमेट पे चलान हुआ था, अब वन वे पे चलान हो गया है। मैंने पहले हो गया चलान, कह रहे हैं पहले चलान हुआ हुआ है, अब हो गया है, मैं वापस जाने लगा हूँ। कल आप यहाँ नहीं खड़े होंगे, ये भाई फिर ऐसे ही जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ वापस जा रहा हूँ। सर, अभी तो वायलेशन कर ली ना आपने। मैडम, अभी मैं जा रहा हूँ वापस जा रहा हूँ। मैंने तो नहीं चलान करना, उन्होंने करना है, उनसे बात करें। लॉजिक हमारी सबसे टॉप बहाना जो है वो यही है, बस ये जाना था, बस यहाँ से निकला था और बस यहाँ जाना था। और आप ये देखें कि सेक्टर इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, फहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, क्या कहते हैं। थैंक यू सर, आपने ज्वाइन किया। आधे घंटे से हम वहाँ खड़े थे जी, तकरीबन 50 से 60 लोग धड़ल्ले से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। किसी सिग्नल फ्री रोड पर चले जाएं, मुझे लगता है सबसे फेवरेट मशगला आजकल लॉरियों का वन वे की खिलाफ वर्जी करना। आप जैसे कह रही हैं ना, थोड़ा मुँह कर लें, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। एक तो बात ये जो रोजाना की बुनियाद पर इनको एजुकेट किया जा रहा है, फिर भी उसके अलावा अगर कोई आता है उसके खिलाफ, जैसे ही भाई कार्रवाई कर रहे हैं, वो खड़ी ड्यूटी कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पर की जा रही है। आवाम को शऊर दिया जा रहा है कि ये वन वे आना उनके लिए, शऊर का हमने चार डालना है सर, हमारा जब तक चलान नहीं होगा ना, हमें अकल नहीं आनी। चलान किए जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, शिफ्ट वाइज पता ही है वन वे जी पता है, लेकिन उसके बावजूद जो आएगा इंशाल्लाह चलान हो रहे हैं, कार्रवाई जो बनती करेंगे और हो रही है। यहाँ पे मुझे कोई वार्डन नजर क्यों नहीं आया? हम 3-4 दिन से रैकी कर रहे थे। किस तरह से अपॉइंट किया जाता है लोगों को? यू टर्न में किया जाता है, ये जैसे वो यू टर्न है, फिर से अगला वन चौंक यू टर्न है, हर यू टर्न में एक ट्रैफिक का स्टाफ तैनात होता है। तैनात होता है, आपके पास स्टाफ की कमी तो नहीं है? क्योंकि इस चौक में हमने आपसे रिक्वेस्ट की तो आप लोगों ने बुलाया, उससे पहले बिल्कुल नहीं, एक वो मौजूद था, वो नमाज पढ़ के आ गए, दोनों मौजूद है। ये पेट्रोलिंग ऑफिसर है, इस रोड पर पेट्रोलिंग जारी रखते हैं मुसलसल। तो बहस मुबाइसा चल रहा है जी, वो चलान नहीं कराना चाह रहे, जरा इनसे बात करें कि क्यों कह रहे थे बस यहाँ तक जा रहा था। क्या हुआ? डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो मैडम, ठीक है, नहीं तो फिर गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। कितना चलान है वन वे के खिलाफ? 2000 रुपए का। 2000 रुपए का चलान आपको पता था? मैडम, हम आप खड़ी हूँ तो चलान कर रहे हैं, वरना चलान मेरा पहले हुआ हुआ हेलमेट के। मैं खड़ी हूँ तो चलान कर रहे हैं, मैंने, मुझे भाई ये बताएं, वन वे की खिलाफ वर्जी मैंने की है? मोबाइल पे चेक कर रहे हैं आप, चलान हुआ हुआ। आपको ये पता था ये वन वे की खिलाफ वर्जी है? मैंने खिलाफ वर्जी है, ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने अभी तक तो आप वहाँ से यहाँ तक आ गए ना, इसका मतलब यहाँ ना खड़े होते वार्डन तो आप गुजर गए थे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, आपको पता था ये वन वे की खिलाफ वर्जी है? मैंने पता था, मैं वापस तो जा रहा हूँ, मैंने सॉरी कर दिया, मैं वापस जा रहा हूँ। सॉरी तो उनका मामला है, उन्होंने उसको हैंडल करना है, लेकिन लोग जो हैं वो यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं। वो देखें जी, वो मोटरसाइकिल वाला वहीं से मुड़ गया, उधर से इधर आ रहा था, और ट्रैफिक वार्डन्स को गुजर जाते हैं। ये भाई यहाँ पे मौजूद है, मुझे लगता है काम करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। यहीं आपकी शॉप है? हाँ जी। तो आप तो ये तमाशा रोज देखते हैं? जी जी ऐसे ही है। वहाँ पे 10-12 जिम घंटा लगता है मोटरसाइकिलों का, फिर वो यहाँ से गुजरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये असल में होता ये है कि ये जो हमारे सार्जेंट है ना, ये खड़े होते हैं वो मोड़ पे, क्योंकि इनकी ड्यूटी वहाँ पे है। और जब दिन में ये प्लाजे से गाड़ियाँ बाहर आती हैं, ये गाड़ियाँ बाहर आके गाड़ी ने इस तरफ जाना है, यहाँ से झुरमट का झुरमट आ रहा होता है। और समटाइम ऐसे हुआ है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं, एक्सीडेंट काफी ज्यादा, फिर ये आके लिफ्टर ले आते हैं, ये हमारी गाड़ियों को उठाते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। खड़ी है ना? नहीं नहीं, गलत तो ये भी है, थोड़ा सा जब आगे खड़ी होती है ये हमें डिस्टर्ब करते हैं ना, लेकिन ये सड़क इनके लिए तो गलत है। हाँ जी बिल्कुल गलत है, लेकिन ये यहाँ पे दिन में झुरमट के झुरमट आते हैं जो वन वे के खिलाफ। हालांकि आप जाए कुछ मीटर्स के फासले पे यूटर्न है, वहाँ से आप आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों का कसूर है ये, ट्रैफिक पुलिस का कसूर है, ये लोगों का कसूर है, ये वन वे आते लोग। भाई कह रहे हैं आपकी वजह से मेरा चलान हो रहा है, भाई मैं तो वन वे की खिलाफ नहीं, 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 वन वे की वजह से यहाँ पे अक्सर फैमिली आती है, यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, टकराते हैं, गाड़ियों को भी नुकसान होता है, जब गाड़ी ने बैक आना होता है सीधी मोटरसाइकिल उनके अंदर आके लग जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सीधी गाड़ी मोटरसाइकिल के अंदर आके लगती है और फिर नुकसान होता है। हम आगे चौक में भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से पीछे यूटर्न पे वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्डन्स नज़र आ रहे हैं, और अब 3-4 वार्डन्स हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ पे खड़े हैं, तो लोग यूटर्न लेते लेते वापस मुड़ के आगे जा रहे हैं, लेकिन हम कॉर्नर में खड़े होते हैं और कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक वार्डन्स नज़र ना आए। फिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर लोगों के बहाने क्या हैं, और हम क्यों बहसीत कौम अपना फ़र्ज समझते हैं कि हमने पाकिस्तान के किसी भी कानून,
ख़ास तौर पर ट्रैफिक कानून को फॉलो नहीं करना, उस पर हमने तो अमल करना ही नहीं है, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार। आए मेरे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ये देखें जी, एक बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है और हम चूँकि उस चौक तक जा रहे थे तो उससे पहले ही इरशाद भाई ने उनको रोक लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहे थे भाई और रोक लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, वन वे की खिलाफ वर्जी? जी जी बिल्कुल, ये हमारी शॉप है अंदर सर, वो वहाँ से लेकर यहाँ तक आप आगे से वाया करते हैं। ठीक है, वे प्रॉपर यूज़ करें, आपको तो पता है आपकी अगर दुकान है आपको अगले टर्न का भी पता, उधर से आए बच्चा चला रहा है, हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्यों? वो बाइक उधर खड़ी था ना मार्केट के अंदर, उधर से निकाल के लेके आए आपको। ठीक है, इनको टिकट इशू करो। 2000 रुपए का चलान होता है भाई ये, 2000 रुपए अगर बच्चा था आपका, अगर आप ऊपर के वाया से आ जाते। जी जी, 4000 का है ये, विदाउट लाइसेंस भी है, विदाउट हेलमेट भी है, और ये बच्चा भी चला रहा है और वन वे भी आ रहा है। इसकी एज क्या है बच्चे की? क्या एज? 16, वो कह रहा है 16 साल। 17 में लगा, 17 में लगा हुआ है तब भी ये बालिग नहीं है, इसके मतलब कम उम्र ड्राइवर भी है, कम उम्र भी है ये, उसका भी चलान होगा? एक साथ कितने चलान हो सकते हैं? वायलेशंस तो बहुत ज्यादा है। हां जी, 3 वायलेशन है इसकी। फिर तीनों पे करेंगे इसका, वन वे का करेंगे। वन वे भाई कह रहे थे क्यों मोटरसाइकिल चला रहे थे वैसे? बाइक आए खड़ी थी है। यहाँ से आने के लिए किसने कहा था भाई? नहीं कहा था इधर से ले लो, आगे से ना जाना। नहीं नहीं, बाइक खड़ी थी, मैं खुद ही पता था कि हमने कानून तोड़ना है तो हमने यहीं से गुजर जाना है। 2-3 वायलेशन यहाँ पर नजर आए, इस कैमरे में आपने देखा होगा कि सेक्टर इंचार्ज को कह रहे थे कि मेहरबानी करते हैं, छोड़ दें, जाने दें, हम यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन अब उनका चालान हो रहा है। इससे पहले भी मुझे ज़रा रास्ता दीजिएगा कि आप देखें कि वार्डन्स जब आकर खड़े हो जाते हैं तो लोगों को डर पता लग जाता है कि वार्डन नीली वर्दी नज़र आ रही है, अब यहाँ से नहीं जाना। कितने यूटर्न पे खिलाफ वर्जी करते हुए हमने देखे, जो आपने वहाँ पे वार्डन खड़ा किया हुआ ना, उसकी वजह से लोग आ नहीं रहे। उससे पहले मैंने रिकॉर्ड किया है और ठीक ठाक जमघट्टे बनाकर ग्रुप्स में लोग आ रहे हैं। डर सिर्फ इसी बात का कि आप लोग खड़े रहें, खुद से एहसास नहीं है हमें, वैसे खुद को एहसास नहीं है ना, ये चीज़ का पता है कि हमारे जो वन वे जाएंगे लोगों के, जो आगे से आ रहे हैं, एक्सीडेंट का बायस बन सकते हैं। ऐसे में कसूरवार आप गाड़ी वाले को ठहरा देते हैं कि गाड़ी अगर एक स्पीड में जा रही है, वन वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, तो आप कहते हैं गाड़ी वाला गलत चला रहा है, आप नहीं लोग कहते हैं। नहीं, गाड़ी वाला तो नहीं है, वो सही आ रहा है, वन पे जो आ रहा है वही गलत आ रहा है, वही गलत आ रहा है, उस जिसको चोट लगी है लेकिन वो गलती पर खुद ही मौजूद है। ट्रैफिक हादसात में बहुत इजाफा हो रहा है, आपकी अपनी असेसमेंट के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसा जो है वो किस वजह से? ये वन वे की वजह से ज्यादा होती है, जो बच्चे कम उम्र चला रहे थे वो वन वे आते हैं, मोस्टली जो सी है ज़्यादा वन वे की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। वन वे की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। सेक्टर इंचार्ज के पास भी हम चलेंगे और उनसे डेटे का डेटा डिस्कशन भी हम करेंगे कि कितने परसेंट जो एक्सीडेंट्स हैं वो किस वायलेशन के बेसिस पर होते हैं। जी फहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम साहब, तकरीबन 300-250 की एवरेज आ रही है 24 घंटों के एक्सीडेंट्स की लाहौर शहर में। अरबों खरबों रुपया लगा दिया हमने सड़कों पर, सिग्नल फ्री बनाने पर, हर चीज़ को अपग्रेड करने पर, इसके बावजूद एक्सीडेंट्स नहीं रुक पा रहे, आपकी असेसमेंट क्या है, क्यों ये? इस टाइम पूरे लाहौर में कंपेन चल रही है लेन लाइन के हवाले से, क्योंकि ज़्यादा मोटर बाइक्स जो हैं एक्सीडेंट हादसे का शिकार हो रहे हैं गलत लेन लाइन तब्दील करने की वजह से। सीटो साहब के अहकाम के मुताबिक पूरे लाहौर में एजुकेट किया जा रहा है, और फिर भी अगर कोई वायलेशन करता है मोटर बाइक गाड़ी लाइन लेन की, उसको चालान टिकट इशू किया जा रहा है, जिससे हादसा में अब कमी नज़र आना शुरू हुई है। इसी तरह हेलमेट जैसे पहले नहीं पहनते थे, इम्प्लीमेंटेशन करवाई है, अब उसकी रेशो बढ़ चुकी है, मोस्टली लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके अलावा अगर कोई नहीं कर रहा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपको दिखाती हूँ आपकी इसी बात पर, जरा कैमरा घुमाए रजाक भाई, मेरे पीछे से मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे हैं, मैं काउंटिंग करके दिखाती हूँ जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 सर, 3 लोगों ने पहना हुआ, 5 ने नहीं पहना हुआ, 10 में से 7 बंदों ने पहना हुआ। इस टाइम जो 3% है वो चलान हो रहे हैं उनके, ठीक है, या इस टाइम फैमिली के साथ होगा वो देख रहे हो, जीरो टॉलरेंस है। हाँ जी बिल्कुल, जीरो लेन लाइन के ऊपर कैंपेन हम कर रहे हैं, हम वन वे की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सके। नहीं, वन वे की हो रही है, डेली बेसिस पे ना कार्रवाई की जाती है, चलान उसके, और उसके अलावा कोई कमर्शियल गाड़ी आ जाती है उसके खिलाफ FIR दी जाती है। वो देखें, वो मोटरसाइकिल वाला आने लगा था, आपकी वर्दी देखी इसने, वहीं से मुड़ गया, तो ये एटीट्यूड है हमारा, कोई वार्डन खड़ा होगा तो कानून चाहिए ना, कि शौर उजागर होना चाहिए, बासियत कौम, क्या मैं गलत काम कर रहे हैं, अगर कोई नहीं भी देख रहा ना, वो तो आप अपने आप को देख रहे हो, उसको
सही प्रॉपर वे यूज करो, आपकी वजह से किसी और का हादसा पेश ना। आप सोचिए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, रिक्शे वाले तक वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जब से आप आए हैं वो वहीं से आपको देखे, वो देखें वो एक और मोटरसाइकिल वाला मोड़ है, ये लाल शर्ट वाला आ रहा है, तो बेसिकली ये मार्केट है, इस मार्केट से निकल के दूसरी मार्केट में जाने की कोशिश करते हैं ये लोग। सर यहाँ पे लिंक रोड है, मॉडल टाउन लिंक रोड है, जहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, और हमने फॉलो किया उन लोगों को जो आगे जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा और आगे आ जाएं। आज हम वार्डन्स को छुपाने के चक्करों में है कि कहीं वॉयलेशन करने वाले लोगों को हमारे वार्डन्स नज़र ना आए और फिर हम उन्हें पकड़ें। और अक्सर लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, मैडम आप आई हैं तो हमारा चालान हो रहा है। ये बात बड़ी गलत है, आप खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इसलिए आपका चालान हो रहा है। और वार्डन्स जो हैं वो इस गर्मी में, इस मेहनत में, जिस तरह से मेहनत कर रहे होते हैं इस मौसम में, सलाम है सर आप लोगों को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 8-8, 9-9 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं आपके वार्डन, इंशाल्लाह कर रहे हैं, मजीद बेहतर करेंगे, अवाम उन्नास के लिए आसानियाँ पैदा हो, ताकि रोड पर कोई ऐसी रुकावट ना हो, बर वक्त हर कोई अपने घर पर टाइम पर पहुँच सके, कोई बगैर ना कुछ गवार वाकया पेश आए, कोई हादसे का सबब ना बने किसी के। बिल्कुल, कोई हादसे का सबब ना बने। अब मुझे लगता है हम सेफ हैं, आपने अपनी पूरी टीम भी यहाँ बुला ली है, तो अब देखते हैं यहाँ से जो वॉयलेशन करने वाले लोग होंगे उनका बहाना क्या निकलता है, क्योंकि मार्केट भी हम क्रॉस करके आगे आ गए हैं। और 2000 रुपये चलाना है वन वे की, हेलमेट के खिलाफ कितना चलाना है? हेलमेट के खिलाफ भी 2000, हेलमेट ना पहना हो तो वो भी 2000 रुपये। रॉन्ग पार्किंग का कितना चलाना है? अब 2000 रुपया स्टेबल हो गया होगा कि आप कोई भी खिलाफ वर्जी करें? नहीं, कोई भी नहीं, लेन लाइन का कम है 500 है, और लेन लाइन के अलावा जो है रॉन्ग पार्किंग 2000, लेन लाइन का 500 रुपया सर। नहीं, वो मजीद करेंगे, भर के चले जाते हैं जी। मैं कह रही हूँ लेन लाइन का 500 रुपया डज नॉट मैटर, मतलब इतना सा चलान लोग कहेंगे आराम से ले लो। वो काम ने आगे नोट करवाया हुआ, मजीद उसमें भी अमेंडमेंट हो रही है, होना चाहिए जी, जुर्माने बढ़ने चाहिए और बढ़ने चाहिए, ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों के लिए जीरो पॉलिसी होनी चाहिए। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सड़क के दरमियान में मैं मौजूद हूँ, जाहिर है ट्रैफिक गुजर रही है, और यहाँ पर आप देखें कि किरचियाँ टूटी हुई हैं, इसका मतलब यहाँ एक हादसा पेश आया है बड़ा रिसेंटली, और ये जो हादसात की तादाद मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, ये हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस बारे मेरे ख्याल से ट्रैफिक पुलिस को और तमाम मुतलका इदारों को कोई स्ट्रॉन्ग लाइहा अमल अपनाना होगा कि हम ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद यकीनी बनाएं, चाहे डंडे के ज़ोर से ही क्यों ना बनाएं। हम वहाँ उस चौक में मौजूद थे, रिजाक भाई इधर आएँ ज़रा आप, हम उस चौक में मौजूद थे, ट्रैफिक वार्डन्स को देखकर यू टर्न्स लेने वाले आधे रास्ते से वापस जा रहे थे कि हम ट्रैफिक की वॉयलेशन ना करें, और जब मैं यहाँ आई हूँ उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हो गया जो जमघटों की सूरत में लोग यहाँ से वॉयलेशन करते हुए पूरी की पूरी बाइकें गुजर रही हैं। एक और कैंपेन चल रही है हेलमेट के हवाले से, और जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना और साइड मिरर्स नहीं लगाए उनका भी 2000 का चालान है। और यहाँ पर जो है वो अब हम हेलमेट की रेशो दिखाते हैं कि कितने लोग हैं जो नहीं पहन रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। हेलमेट तबीयत नहीं ठीक है इसलिए नहीं पहना भाई। हेलमेट आपकी तबीयत के लिए ज़रूरी है, आपकी सेहत। बस अर्जेंट इधर फैट से पीको मोड से निकला हूँ। 300-250 हादसा की एवरेज जारी है 24 घंटों में, आप खुदा ना खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाए, क्योंकि कानून तोड़ने में तो हम बड़े माहिर हैं लोग जी। वन वे की खिलाफ वर्जी ये वो जरा सा हिट हो गया आपको, माजरा गलती हो गया, नेक्स्ट इंशाल्लाह। मैं तो आपसे रीजन पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं पहना, कार्रवाई तो आपने जी जी इसके लोग बगैर जी 2000 रुपये का चलाना है हेलमेट ना पहनने पर। और आप देखें कि ये यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लोग मिलेंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना। अस्सलाम वालेकुम भाई। बड़े आराम से हम आ रहे थे कि पता आगे ट्रैफिक बॉर्डर नहीं होगी और मोड़ पर ही खड़े मिल गए ऐसे ही। सॉरी माजरा, मेरी वजह से खड़े हैं ये लोग। अच्छा, कोई मसला नहीं, ये राइट है, गलती है हमारी, बस साथ ही आना था, ये मोचीपुर पे ऑफिस है, इधर साथ आना था। ये ना मैं कोई 50 लोगों से बात करूँ ना तो 49 लोग ये कहेंगे ये साथ से आना था, साथ जाना था, खुदा ना खासा कोई हादसा हो। हेलमेट बिल्कुल सही बात है, चोट लग जाए ऐसे ही है। आपके घर वाले आपको खुदा ना खास्ता मैं कह रही हूँ, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन उन तक ये खबर जाए कैसा लगेगा? बहुत बुरा इफेक्ट होगा, कितना मुश्किल है। सही बात, चलिए
चल रही है, मैंने अपनी बात कर ली, अब आप कार्रवाई करें जी। 2000 रुपए का चलान है जो कि होगा। सलाम अलैकुम भाई। अस्सलाम। क्या हाल है भाई? मैं ठीक। मेरे भाई ने हेलमेट क्यों नहीं पहना? दिल नहीं करता हेलमेट पहनने का। दिल नहीं करता? आपको अपनी अपनी जिंदगी सेफ्टी ऐनक पहन दो ना। मैं तो ऐनक चुपती है मुझे, और निशान पड़ते हैं आंखों के नीचे। तो ये तो कोई वजह नहीं है कि हेलमेट ना पहने। कानून भी टूट रहा है, आपकी अपनी जिंदगी भी रिस्क पे जा रही है। चलान होने लगा है। चलान करा लोगे हेलमेट लेकर? नहीं, वो पहनूंगा इसके बाद। उन्होंने वादा किया हेलमेट पहनूंगा मैं इंशाल्लाह। जी जबरदस्त। और पहन वादा पूरा करना है फिर। जी जी। नहीं तो कानून तोड़ोगे तो चलान होगा और गुनाह भी होगा, है ना सर? जी सर इंशाल्लाह। इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत है अपने भाइयों को हमें कि खुदा ने उन्होंने वादा किया इंशाल्लाह पहनेंगे। उनको बताया कि उनका भी नुकसान हो सकता है हादसा पेशा। चलिए ये अच्छी बात है जी, वादा भी ले रहे हैं। और आपके तमाम जो फैक्ट्स हैं, सॉरी भाई, जो लोग हैं जो हेलमेट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो वादा भी कर रहे हैं। ये देखें जी सर, ये देखें, ये देखें जी, ये देखें। और तेज़ी से निकलने की कोशिश करते हैं हम, हेलमेट ना पहना। डर गया भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो जी, चलान करा के चल रहे हैं, हमने इंटरव्यू नहीं देना। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप करें कार्रवाई जो भी आपने करनी है। और ये देखें, ये 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 एक और भाई गुजर रहे, गुजर रहे। और पता है वार्डन खड़े हैं, निकल गए क्योंकि बाकियों के चलान हो रहे हैं। आप ऑन एवरेज देखते जाएं कि कितने लोग किस तरह से हेलमेट के बगैर। मैं उन लोगों को भी अप्रिशिएट करूंगी जो इस गर्मी में भी कानून की कानून को फॉलो कर रहे हैं और हेलमेट का इस्तेमाल जो है उन्होंने यकीनी बनाया हुआ है। ये एक बाइक वाले गुजरे हेलमेट के बगैर। और यूजुअली ये बड़ा हाइडिंग स्पॉट है, ये एक अच्छा स्पॉट है जहाँ पर अगर आप वार्डन्स के साथ खड़े हों तो पीछे से आने वालों को नज़र नहीं आता कि आगे वार्डन्स खड़े हैं या आगे चालान हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, फिर मजबूरी में उनको चलान कराना पड़ता है। और यहाँ पे मेरे पीछे देखें आप, चलान हो रहे हैं। और जो जो भी कैंपेन चल रही है, जितनी भी कैंपेन चलती हैं उसके बावजूद रेशो आपके सामने है कि हर दूसरी तीसरी मोटरसाइकिल जो है वो आपको हेलमेट के बगैर नज़र आएगी। फिर हेलमेट के साथ आपने ये वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजरा। फिर हेलमेट के साथ ट्रैफिक पुलिस ने साइड मिरर्स को भी कहा कि यकीनी बनाएं कि मोटरसाइकिल पर लाजमी लगे हों। कोई एक मोटरसाइकिल मुझे अभी तक नज़र नहीं आई जिन्होंने साइड मिरर्स लगाए हों। और चालान भी सिर्फ अभी हेलमेट्स पे हो रहे हैं, साइड मिरर पे नहीं हो। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। हेलमेट कितने का लिया आपने? 2000 रुपए का। सर पे पहनने के लिए? जी, ताकि खुदा ना खास्ता चलान ना और हादसा ना। जी तो सर, टैंकी की हिफाजत जरूरी है ही आपके सर की, पहले तो मुझे ये बताएं। बेसिकली ना मुझे सांस की प्रॉब्लम है, मैं इसलिए इसको पहन बहुत कम पहनता हूँ। सर फिर मोटरसाइकिल भी ना चलाएं ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं। घर बैठे रहे, काम ना करें। खुदा ना खास्ता अगर हादसा कोई पेश आ जाए, आपको चोट लग जाए, कौन जिम्मेदार है? कानून अलग टूट रहा है ना, ये जो है ना 90% लोगों यही कहते हैं कि हमें सफोकेशन है, सांस प्रॉब्लम है। सर गर्मी तो है, हब्स है। हब्स है, लेकिन ये पहनते जान हुई कि नहीं, ये देखे ना, इससे गर्मी भी नहीं लगेगी, शीशे का जो गर्म हवा वो भी नहीं लगती, इससे हफाजत होती है। ये नहीं है आप कह रहे हैं ये कौमी बहाना है हमारा? ये बहाना है, कौमी बहाना, कौमी बहाना कह ले आप, नेशनल बहाना बन गया हमारा सफोकेशन या सांस का प्रॉब्लम। सर माशाल्लाह समझदार लग रहे हैं आप, मैच्योर इंसान लग रहे हैं। 2000 का हेलमेट लिया आप, 2000 का चलान होने लगा। फिर हम रोते हैं कि महंगाई है, इतने बड़े बड़े चलान कर रहे हैं 2000 के, हम खुद कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं, चलान होने लगा आपका। चलें सर कार्रवाई करें जो भी करना है। ये भाई पहले कह रहे थे मैंने बात नहीं करनी, अब कह रहे हैं मैं बात करूंगा। हाँ, मैंने दे दिया ना चलान। हाँ, बताएं जी, हुक्म करें। हेलमेट नहीं पहना हुआ? मैंने पहनना नहीं है, सारी जिंदगी नहीं पहनना। चलान देते रहना मैंने, बस वैसे मैंने चलान ही देना है। चलान तो आपने देना है, वो आपकी मर्जी है जी। लेकिन खुदा ना खास्ता हेलमेट इनके लिए थोड़ी पहनना है आपने, या मेरे लिए थोड़ी पहनना है? अपने लिए पहनना है। हाँ, मैं कहता हूँ मैं मर जाऊँ, उसकी वजह है एक, ये बिल नहीं देख रहे, ये मैं जो भी हमारे हुक्मरान ये बिल नहीं देखते कि बिल कितने आ रहे हैं गरीबों को, ये कर्जे में डूबे हैं पाकिस्तानी अवाम। खुद तो एसीओ में बैठे हैं, सुबह की लाइट नहीं आ रही, इन लोगों को इनका पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि रोकना है और इनकी जान का तहफ़ करना है कि इनसे टैक्स लिया जाए, सिर्फ ये बात। कानून ना फॉलो करने का जुर्माना तो ना, वो तो जुर्माना ले रहे हैं ना, तो ये भी फिर करें ना कि गरीबों का थोड़ा सा एहसास किया जाए, गरीबों के बारे थोड़ा सा सोचा जाए। आप अपना एहसास खुद नहीं कर रहे हैं, क्यों करूं? क्या शिकायत कर क्यों करूं मैं? तो वो आपका एहसास फिर कैसे करेंगे? वो नहीं कर रहे तो हम अपना नहीं ना कर रहे,
हमारी जिंदगी अजाब बनी है, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं। ये आशिकों वाली बात कर रहे हैं कि मेरा महबूब मेरा ख्याल नहीं रखता तो मैं भी अपना ख्याल नहीं रखता। आपकी जिंदगी आपके लिए जरूरी है। इश्क सिर्फ किया अपने माँ बाप से, तो जब वो ही तंग रहेंगे उन माँ बाप की, तो वो जब तंग रहेंगे मेरी बात सुने, जब वो तंग रहेंगे तो फिर हमने इस जिंदगी का क्या करना है आप बताएं। तो आपको खुदा ना खासा कुछ हो गया, कोई हादसा पेश आ गया, तो आपके माँ बाप खुश होंगे? हो जाए, ये पाकिस्तानी अवाम मर जाए, पाकिस्तानी अवाम सारी मर जाए, क्योंकि ये टैक्स पे ना कर सके, फिर देखेंगे ये कहाँ से आएंगे। ये तो चाहते हैं कि ये जिंदा रहे, इसीलिए तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन महंगाई और हुकूमत पे निकाल रहे हो। ये कह रहा हूँ कि आप जितना टाइम इधर दे रही हैं ना, उतना टाइम आप जाके ना हमारे पीएम साहब से जाके कहें कि काइंडली थोड़ा सा ना थोड़ा सा पाकिस्तान लाहौर के लाहौर का आपका कैमरा है, डायरेक्ट को अपने प्राइम मिनिस्टर को भाई, हम सबके आपकी मेहरबानी है, अगर हमसे वोट लिया ना तो हमारा थोड़ा सा ख्याल कर लें। बहुत ही परेशान है वहाँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। खुदारा आपको आपके वालिदैन, चलें ये आपने मैसेज दे दिया, अपने वालिदैन की खातिर हेलमेट पहनना शुरू कर दो, अपना ख्याल रखना शुरू कर दो। इस तरह की बागी सोचें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको रिबेलियस ट्रैक पर ले जाती हैं। बहरहाल जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आप देखें कि अभी भी ये सिलसिला जारी है, हेलमेट के बगैर लोग सफ़र कर रहे हैं, और वजूहात क्या हैं इनकी? अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ भाई? मैं बस ये फॉलो कर रहा हूं छोड़ने के लिए। सर जिधर भी छोड़ने जा रहे हैं आप, सड़क पर मैंने आपको मैडम पहले बताया था, ये ले हेलमेट भी है आपके पास, चालान से बचने के लिए रखा हुआ है, सर पे क्यों नहीं? ये नेशनल बहाना है कि नहीं है? सही कह रहे हैं आप, नेशनल बहाना बन गया, बन गया ना, ये इनके हाथ में है, किसी ने बाजू में डाला हुआ है, किसी ने टैंकी पर रखा, किसी ने ये साथ लटकाया हुआ है। स्टैंड वाली स्टैंड की हिफाजत जरूरी है या आपके सर की? सर की, सर की जरूरी है ना, तो क्यों नहीं पहना हुआ? हमने कहा दूर से बॉर्डर नजर आएगा तब उठा के सर पे रख लूंगा। ऐसे करते जब हमें देखते हैं आगे बॉर्डर खड़ा है ड्यूटी कर रहा है, तो उन्होंने फौरी से पीछे से पहन लो, यार मैंने तो पहना हुआ था। फिर हम परेशान होते हैं कि 2000 के चालान हो रहे हैं, हम जब फॉलो सर आप करें कार्रवाई करें अपनी चालान करें, लेकिन बात ये है कि जब तक हम इसको फॉलो नहीं करेंगे ना कानून को, तो ये हमें अच्छा एक हाइडिंग स्पॉट मिल गया है, तो फिर वार्डन जो है वो अपनी कार्रवाई करेंगे। फिर आप ये नहीं रो सकते कि इस महंगाई के दौर में देखें 2000 का चालान हो रहा है, मेरे ख्याल से ये 5-10 हज़ार का होना चाहिए, ताकि लोगों को डर खौफ हो कि अगर पकड़े गए तो 10,000 रुपया भरना पड़ जाएगा। फहीम साहब हमारे साथ मौजूद है, फहीम साहब अभी आप कह रहे थे कि बहुत लोगों ने हेलमेट की जी बिल्कुल शुरू कर दी जी जी, लेकिन इससे बड़ी तादाद अभी भी हेलमेट के बगैर नहीं, जैसा कि आपने देखा हेलमेट पास मौजूद है, हाँ पहनने पे गर्मी का बहाना कर लें इनका, सफोकेशन का, हाँ जी इस तरह ये जाना था, ऐसे कहते हैं ये पास निकले करीब निकले, अब वो देखिए उनके पास हेलमेट था भी उन्होंने पहना नहीं, इसलिए वो टिकट इशू कर रहा था कि नेक्स्ट टाइम वो कैरी किया तो सर पे पहने प्रॉपर इसको। आपके ख्याल में ये कार्रवाइयाँ इनफ हैं इनको मेक श्योर करने के लिए कि कैन फॉलो करें? नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मजीद बेहतरी लाएंगे इसमें, मजीद बेहतरी लाएंगे जी। साथ ही एक और फूड पांडा का राइडर मिल गया हमें और हेलमेट उसके पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। हेलमेट क्यों नहीं पहना भाई? बस थोड़ा गर्मी से बचने के लिए ये डाकू बन गए हो? नहीं नहीं अभी उतारा है वहाँ से, ऑर्डर लिया है ना तो फिर आपको तो हेलमेट भी फूड पांडा वाले देते हैं। जी जी बिल्कुल देते हैं ना, फिर भी नहीं पहना हुआ अभी उतारा है। कितना कमा लेते हैं जिसमें से 2000 चालान भरोगे आप? आईडी कार्ड दिखाइएगा, मास्क थोड़ा बचेगा। क्यों ये क्यों अपने साथ ज्यादती करते हैं? अभी उतारा है ना, चलो ठीक है आईडी कार्ड अभी उतारा था लेकिन चालान तो होगा। लोगों के पास भी चलते हैं कि क्यों हमारा वतीरा ये है कि हमने कानून फॉलो नहीं करना। भाई कह रहे हैं मैं वॉयलेशन नहीं कर रहा, एक और भाई सामने वॉयलेशन क्या होती है? नहीं वॉयलेशन नहीं कर रहे आप, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ब्रेक हुई थी, हम सिर्फ खाना लेके यहाँ तक आ रहे हैं, अगर जाना चाहते अंदर से भी रास्ता था बाकी भी रास्ते, मैं कह रहा हूँ कि हम ये ब्रेक हुई है, हमारा आईडी कार्ड लाइसेंस सारा कुछ हमारे लॉकर में पड़ा। अच्छा मुझे बताएं हेलमेट क्यों?
हेलमेट में कह रहा हूँ, जल्दी में थे हम, ब्रेक खत्म हो रही है, जल्दी में खुदा ना खास्ता कोई टक्कर हो जाए, हादसा पेश आ जाए, अल्लाह तो ना करे, हम अपने आप पे रहम नहीं करते, अल्लाह रहम करता है। अलग ये देखे ना कि बाकी भी तो जा रहे हैं ना, सब ने हेलमेट पहना, उनको पता है कि बाहर ये सीन है, हमें ये है कि हमें ब्रेक होती है, बाहर नहीं बहुत कम निकलते हैं, तो ये है था कि हमने कम निकले या ज़्यादा निकले, सड़क पर आप हेलमेट के बगैर आए तो वायलेशन, कानून टूट गया। कितना जुर्माना है इसका? अभी ये है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर से कि आइंदा मैं रिक्वेस्ट करने के हम बड़े माहिर हैं, लेकिन कानून फॉलो हम नहीं करते। यही तो मैं कह रही हूँ कि उसके पता होना चाहिए था कि 2000 की दिहाड़ी नहीं है और चालान करा रहा है क्योंकि हेलमेट नहीं पहना। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा, पहले ये पहन के रखते आज ही, बस जल्दी में ब्रेक थी तो निकला है आज हेलमेट। बाइक भी आपकी नहीं है? चलो फिर बंद करा के जाओ, आज वो खुद ही छुड़ाने आएंगे। एक और यहाँ पर साहब, हेलमेट क्यों नहीं पहना भाई? हेलमेट मकान पे रह गया, दुकान पे रह गया। दुकान पे रह गया क्यों? बस थोड़ा आपको पता सड़क पे निकलना है, माजरत जी, 125 चला रहे हैं आप, हेलमेट नहीं है, 2000 रुपये का चलान, इतनी आपकी दिहाड़ी, हम इतना कमाते नहीं है जितना जुर्मानों की मद में छोटी छोटी गलतियों से भर देते हैं, क्यों? इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे हम। चलिए आइंदा आप कोशिश करें, लेकिन फिलहाल आपका 2000 का जुर्माना हो गया। मुझे दुख होता है ऐसे लोगों का जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, 2000 का चालान हो रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर आप ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे तो आपका जुर्माना नहीं होगा, बड़ी सिंपल सी ये बात। सड़क पर जितनी भी वायलेशंस आपके सामने हमें नजर आ रही हैं उसमें मोस्टली मोटरसाइकिल सवार इस तरह से इन्वॉल्व हैं कि हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों ने नहीं पहना हुआ, साइड मिरर्स मोटरसाइकिल सवारों ने नहीं पहना हुआ, वन वे की खिलाफ वर्जी हम बड़े धड़ल्ले से करते हैं और ज़्यादातर मोटरसाइकिल वाले करते हैं, गाड़ी इशारा तोड़ने की माहिर है, ओवर स्पीड की माहिर है, गाड़ी के चालान मोस्टली ये होते हैं, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो फिर आपका चालान किया जाता है। लेकिन जब हम ट्रैफिक हादसात की बात करते हैं तो मेजर परसेंटेज हादसात में मोटरसाइकिल सवार जो हैं या वो ज़ख्मी होते हैं या वो उसमें मुजरिम भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लेन लाइन की पाबंदी नहीं कर रहे, हम वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसकी वजह से हम ज़ख्मी हो गए। तो खुदारा अपने भाइयों को, अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द आपके वालिदैन, जो भी मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकल रहा है, मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन की भी जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करें कि हेलमेट उनके पास मौजूद हो और हेलमेट का इस्तेमाल वो लाजमी करें ताकि हादसात से बचा जा सके और हम ये जो 2000 रुपया चालान हम इस महंगाई के दौर में भरते हैं हम उससे भी बच सकें। आपने अगर हेलमेट पहना हो तो कोई आपका चालान नहीं करेगा, कोई आपको 2000 नहीं भरना पड़ेगा। तो ये रोना कि चालान बहुत ज़्यादा है ज़्यादती की बात है, अगर आप कानून फॉलो करेंगे तो आपको चालान नहीं भरना पड़ेगा। आप भी अपने इर्द गिर्द देखिए कि ज़्यादातर ट्रैफिक वायलेशंस कौन कर रहा है और किस तरीके के वायलेशंस हो रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।